हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पान के बारे में, पान के ज्योतिष, वास्तु और औषधीय महत्व के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। हमारे पास में भी पान का पौधा नहीं था तो हम कल ही लेके आए हैं ये। वैसे आपके आसपास कहीं पान की बेल हो तो आप आसानी से इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं। बहुत ही इजी टू ग्रो होता है ये। आप 8 से 10 इंच के पॉट में लगा सकते हैं और कुछ खास केयर की वैसे इसे ज़रूरत नहीं होती। एज मनी प्लांट की तरह ये पौधा भी चल जाता है और बेल दिखने में ही बहुत खूबसूरत लगती है। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पान को तांबूल भी कहा जाता है, इंग्लिश में तो इसे बीटेल कहते हैं। और वैसे आप सब लोग जानते हैं कि पूजा पाठ में पान के पत्तों का बहुत प्रयोग होता है। और साथ में ही जो पुराणों से जानकारी मिलती है उसके अनुसार सबसे पहले पान का प्रयोग समुद्र मंथन के दौरान किया गया था। सबसे पहले हम जान लेते हैं पान के ज्योतिषीय प्रयोग। ऐसा कहा जाता है कि सफलता के लिए यदि मंगलवार के दिन हनुमान जी को खास प्रकार का पान चढ़ाया जाता है तो बहुत सफलता प्राप्त होती है। इस पान के अंदर कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बूरा और सुमनकतरी मिलाया जाता है। इसके अंदर सुपारी, तंबाकू नहीं होना चाहिए। भगवान शिव को भी इसी प्रकार का पान चढ़ाने से मनोकामना की पूर्ति होती है। इसके अलावा यदि आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही हो तो आप रविवार के दिन पान का एक पत्ता अपने साथ लेकर निकले, आपके सभी कार्य पूरे होंगे। आइए हम जान लेते हैं पान का वास्तु में क्या महत्व है। पान वास्तु के अंदर बहुत ही शुभकारी होता है क्योंकि पान का पत्ता नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला होता है। तो इसे आप घर में जरूर लगाएं, बहुत ही आसानी से ये उग जाता है। आइए हम जान लेते हैं पान के औषधीय महत्व, इसके बाद में हम जानेंगे वो चमत्कारी उपाय क्या है। पान के औषधीय गुण होते हैं कि पान धन्वंतरी निघंट में ऐसा कहा गया है कि पान के पत्ते में 13 ऐसे गुण होते हैं जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है। पान चरपरा, कटु, उष्ण, मधुर, क्षार युक्त, कसेला, वात, कृमि, कफ और दुख का नाश करने वाला होता है। सबसे पहला पान का उपयोग है वो होता है रक्त स्त्राव रोकने में। बाहरी या भीतर कहीं भी रक्त स्त्राव हो रहा हो, पान के सेवन से यह रक्त स्त्राव रुक जाता है। यदि आपके बाल गिर रहे हो तो पान के पत्तों को पीस लीजिए, तेल में मिला लीजिए, उसके बाद में बालों में मालिश करें और 1 घंटा बाद धो लें, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। यदि किसी को त्वचा संबंधी समस्या हो, खुजली हो, तो पान के पत्तों को पानी में उबालकर नहा लें, इससे खुजली दूर होती है। सर्दी के अंदर पान की डंठल को घिसकर शहद मिलाकर खाने से सर्दी और कफ में आराम मिलता है। पाचन क्रिया में पान बहुत मददगारी है क्योंकि पान चूसने पर लार की मात्रा अधिक निकलती है जिससे पाचन अच्छा होता है। पान का शरबत पीने से दुर्बलता मिट जाती है। यदि किसी को बुखार हो तो 2-3 ml पान का अर्क गर्म करके दिन में 3 बार पिलाने से ज्वर ठीक हो जाता है। पान का सेवन करने में कुछ सावधानियां रखनी चाहिए क्योंकि पान तीक्ष्ण, उष्ण और पित्त को बढ़ाने वाला होता है, इसलिए
किसी को रक्त विकार, पैत्तिक विकार या फिर शरीर में गर्मी बढ़ी हुई हो तो उन लोगों को पान का सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें हैपिक साइन नामक जहरीला पदार्थ पाया जाता है। आइए हम जान लेते हैं वो चमत्कारिक प्रयोग क्या है। नज़र उतारने में पान बहुत ही उपयोगी होता है क्योंकि ये नकारात्मकता दूर करता है। इसलिए किसी व्यक्ति को नज़र लग गई हो तो उस व्यक्ति को पान में 7 गुलाब की पंखुड़ियाँ डालकर खिलाएं। वो पान उसी प्रकार से बना हुआ होना चाहिए जिस प्रकार से हनुमान जी की चढ़ाने के लिए बनाया जाता है। तो उस पान में गुलाब के साथ पंखुड़ियाँ मिलाकर सेवन करने से नज़र दूर होती है। इसके अलावा पान का दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।